सुबह से अब तक यहां पर एक वोट भी नहीं पड़े हैं। नौतनवा के सिमरहना गांव में चुनाव बहिष्कार हुआ है। लोगों का कहना है कि बहुत दिनों से पुल की मांग हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद जब पुल नहीं बना है तो उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को वोट क्यों करना जिसने उसके लिए काम नहीं किया। पुल बन हुआ है कि किसी तरह से वो मतदान करें, क्योंकि मतदान करना जरूरी है। इसके बावजूद सुबह से अब तक एक भी वोट वहां पर नहीं पड़ा है। नौतनवा के सिमरहना गांव में चुनाव का बहिष्कार लोगों ने किया है। तो पिछले बार भी हमने देखा था, पिछले कई चुनावों में जहां जहां पर भी विकास की बात नहीं हुई या पर जहां पर लोगों की मांग थी उनकी अपनी और उसे पूरा नहीं किया गया, वहां पर हमने देखा किस तरह से मतदान का बहिष्कार किया गया। और अब खबर नौतनवा के सिमरहना से भी आई है जहां पर चुनाव का बहिष्कार सिर्फ लोगों ने इसलिए नहीं किया है ताकि उनके पुल को बनाया नहीं गया। पुल को बना दिया जाता तो शायद जो उनकी मांग थी वो पूरी हो जाती। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। बलिया से बड़ी खबर, जहां पर बूथ संख्या 153 पर हंगामा हुआ है। ईवीएम खराब होने पर हंगामा किया गया है। मुस्लिम महिलाओं ने किया है यहां हंगामा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अमूमन इसी तरह की खबरें जो हैं बहिष्कार की, वोट बहिष्कार या फिर ईवीएम खराब होने की, हर एक चरण में देखी गई है। और बलिया से भी एक बार फिर से ऐसी खबर आ रही है सामने, जहां बूथ संख्या 153 पर हंगामा किया है। हंगामा करने वाली मुस्लिम महिलाएं हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ईवीएम खराब हुई, मतदान करने के लिए महिलाएं पहुंची हुई थी, ईवीएम खराब हुई जिसके बाद मुस्लिम महिलाओं ने हंगामा किया। आवाज नहीं दे रहा है, कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर दे भी नहीं कर रहा था, कैसे देंगे बताइए। कितने देर से ऐसा हो रहा है जाइए देखिए, कितने सारा मसला हो रहा था, धक्के मार के पुलिस निकाल रहा है, जनता को क्या निकालेंगे, उनका क्या है। और इस पर हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं, प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे इस पर एक टिप्पणी ले लेते हैं। प्रभात जी देखिए, लगातार हम देख रहे हैं सारे चरणों में, कहिए सातवां चरण कोई खास नहीं है, छठे के छह चरणों में हमने देखा है कि मतदान का बहिष्कार किया गया है। सरकार के खिलाफ लोग अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, ईवीएम खराबी पर भी लोग अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं नाराजगी भरी ये तस्वीरें, लोगों के रिएक्शन, किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ये नाराजगी भरी? देखिए लोकतंत्र का एक ये भी चेहरा सामने आ रहा है कि किस तरीके से ईवीएम खराब हो रही है या पुल नहीं बनाया गया, ये स्थानीय समस्याओं पे जो उनके स्थानीय जनप्रतिनिधि थे उन्होंने उस समय काम क्यों नहीं किया। देखिए मतदाता 5 साल बाद अपने वोट के अधिकार का ये नाराजगी जो व्यक्त करता है, सुनने वाले लोग उनको सुनना चाहिए और जाना चाहिए वहां लोकल अधिकारियों को या जो भी है कि उनको मनाएं और समझाएं, बताएं कि ये लोकतंत्र में आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, वोट कास्ट करें, नाराजगी दूर हो सकती है, नाराजगी दूर की जाएगी। और ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब मतदान होता है तो ऐसी तस्वीरें क्यों आती हैं। अब जैसे ईवीएम खराब हो गई, अब वो इतनी तपती धूप में अगर एक कोई वोटर जा रहा है वहां पे और अगर वो वोट कास्ट नहीं कर पा रहा है तो ये निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो कमी है उसको दूर करना चाहिए और समझा बुझा के वोट कास्ट करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के इस तरीके से जो स्थितियां सामने आती हैं ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। और कैसे उनके साथ धोखेबाजी होती थी, ये निषाद धोखा खाया हुआ सपा से। तो आप सर्वमान्य नेता अभी भी हैं निषादों के? क्योंकि हम नहीं, जनता उसे मानती है और जनता के लिए हम काम करते हैं, हम लोग उनके लिए उनकी आवाज़ हैं, वकील हैं। तो मोदी अमित शाह तक आज के दिन में हम आवाज़ बनते हैं, योगी तक हम आवाज़ बनते हैं। तो जिस दिन जब तक हम उनकी आवाज़ बने रहें वो हमारे साथ रहेंगे। आज तक तो सपा ने कभी किसी नेता को अपने बगल में तो फोटो नहीं खिंचाने दिया, कांग्रेस ने कभी कोई प्रधानमंत्री तो कभी निषाद को बगल में खड़ा नहीं होने दिया, कोई मुख्यमंत्री नहीं खड़ा होने दिया। आज तो कम से कम कैसे तरीके से 1973 में गले लगाए थे निषाद राज को भगवान राम ने, मोदी योगी गले लगा लिए हैं इस समुदाय को, तो हमारा समाज इनके साथ है। तो आज के दिन में जब जिस समाज की चिंता खुद प्रधानमंत्री करते हों, निषाद के घर जाके चाय पीते हों, निषाद राज की मूर्ति लगाते हों, निषाद राज का किला होते हों, जय निषाद राज का नारा लगाते हैं, तो सम्मान समाज का बड़ा होता है, सुरक्षा बड़ा होता है, समृद्धि होती है। क्या विपक्ष ने कभी जय श्री राम बोला, कभी जय निषाद राज बोला, खाली निषाद का वोट चाहिए? तो इतने भर से वोट मिल जाएगा, बहुत कुछ उनके लिए नीत बनी है, प्रधानमंत्री मत संपदा बना है। कांग्रेस ने 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया पूरा दिया देश के निषादों के विकास के लिए, 67 साल में एक पैसा भी नहीं पड़ेगा, और 6.5 साल में 41।